जीना होगा मरना होगा धरना होगा धरना होगा हक की खातिर लड़ना होगा धरना होगा धरना होगा आज करेंगे धरना भी देंगे ताकि हुकूमत को ये बात पता चल जाए तो ये ना समझे कि बस ये धरने पे ये लोग बैठे हुए हैं सर्दी में बारिश में परेशानी में और ये समझे कि बस ये इसी तरह से बैठे रहेंगे। हम अपने इस एहतजाज को शारा फैसल भी लेकर जा रहे हैं और कराची के अहम तरीन शारा पर धरनों का सिलसिला शुरू होगा कि हम मुस्लिम जमातों की तरह इसको सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग या फेस सेविंग के लिए कोई एक एहतजाज कर लेना हम इस पर यकीन नहीं रखते। हम इस शहर का मसला समझते हैं इसको, ये मेगा सिटी है, ये पूरे मुल्क की मीशत चलाता है, ये शहर ये एक्सपोर्ट में 54% कंट्रीब्यूशन इसका है, टैक्स देते हैं हम लोग 42% इनकम टैक्स दिया है कराची के लोगों ने पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान का मिला के 58% है रेवेन्यू देते हैं हम सूबे को और इस मुल्क को। हमारा ये हक है कि हमारे इदारों को आज़ाद होना चाहिए।